बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 3 जो है आपका ट्राई अगेन, इसकी समरी जो आज देखेंगे बेटा। यू हैव ऑलरेडी रेड द दिस पोएम ट्राई अगेन, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग पोएम बाय डब्ल्यू ई हिक्सन, विलियम एडवर्ड हिक्सन। तो इस पोएम को बेटा आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ये पोएम बेसिकली हमें ट्राई अगेन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, बार बार मेहनत करने पर आमादा करती है और उकसाती है। ये पोएम हमें बताती है कि अगर हम एक बार, दो या दो बार नाकाम हो जाए तो इस नाकामी से हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलसल मेहनत करनी चाहिए जब तक कि हम अपने मकसद को हासिल ना करें। तो बेटा समरी को स्टार्ट करते हैं पोएम की। ये है यूनिट 3 ट्राई अगेन समरी, आज हम इसकी लिखते हैं बेटा। देखें, दिस शॉर्ट एंड इंप्रेसिव पोएम इज रिटन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। ये मुख्तसर और मुतासिर कुन नज़म जो है विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखी है। इट प्रोवोक्स अस टू वर्क हार्ड, ये हमें आमादा करती है कि हम मेहनत करें, एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, और बार बार कोशिश करें, टिल वी अचीव अ सक्सेस, जब तक कि हम कामयाबी हासिल ना करें। द पोएम एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटीन्यूअस एफर्ट्स इन लाइफ। शायद जो है बेटा जोर देते हैं, एम्फसाइजेस का मतलब जोर देना, जोर देता है मुस्तकिल मेहनत की अहमियत पर जिंदगी, यानी जिंदगी में हमारी जिंदगी में कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स या मुस्तकिल मेहनत की जो अहमियत है इस पर जोर देता है, इसको हाईलाइट करता है। इसके बाद बेटा हमें कोटेशन लिखते हैं, ट्राइंग इज ऑलवेज एनफ। बेटा अगर आप मेहनत करते हैं किसी चीज के लिए तो आपके पार्ट पर यही चीज है, आप यही काम कर सकते हैं। इंसान के हिस्से में सिर्फ मेहनत है, वो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने काम को आखिरकार सर अंजाम दे लेंगे। द पोएट सेज दैट फेलियर इज अ गुड टीचर, शायद हमें अब फेलियर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि नाकामी एक अच्छा उस्ताद है। इफ यू फेल वंस और ट्वाइस इट इज नॉट अ डिस्ग्रेस, अगर आप एक या दो बार नाकाम हो जाते हैं तो ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। अ पर्सन हु इज कंसिस्टेंट इन हिज एफर्ट्स, ऐसा शख्स जो अपनी कोशिशें मतवातर करता है, उसमें कंसिस्टेंटली करता है, इज ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ, वो जिंदगी में हमेशा कामयाब होता है। सो इन केस ऑफ फेलियर, इसलिए नाकामी की सूरत में वी शुड नॉट गिव अप, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, नाकामी के खौफ, मतलब अगर आप नाकाम भी हो जाए तो नाकामी के खौफ को अपने ऊपर मुसल्लत ना होने दें, आप बार बार मेहनत करें और बिलआखिर आप कामयाब जरूर हो। इसका बेटा रिमेनिंग पार्ट समरी का नजर देखते हैं। इसको प्लीज बेटा 2-3 मिनट में आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ये तो चंद लाइन हमने इधर लिखी हुई है, नोट इट डाउन ताकि हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है फिर वो कर सकें। बेटा एक चीज आपको और बताता चलूं, ये कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समरी में या एसे में कोटेशंस हाईलाइट करती हैं आपकी राइटिंग, ये बताती हैं, एग्जामिनर एक नजर में देख के बता सकता है अगर आपने 3-4 कोटेशंस खूबसूरती से बोल्ड करके लिखी हुई है तो उसे पता लग जाता है कि आपने ये चीज प्रिपेयर की हुई है। बेटा मतलब पूरी समरी को पढ़ने की जरूरत नहीं उसे पढ़ेगी, उसे एक नजर देखने में ये पता लग जाएगा कि आपने ये समरी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर की हुई।
ऑर्बिटल्स के जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। जी बेटा, मैं आपको बात कर रहा था कोटेशंस के बारे में। तो कोटेशन हम एक और लिख रहे हैं बेटा, इसको हम हाईलाइट करके आप इसे मार्कर से लिखेंगे बोल्ड और खूबसूरत करके, ताकि ये आपकी समरी को और खूबसूरत, आपकी प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाए। दैट इज बेटा, देयर इज नो रॉयल रोड, रॉयल रोड टू सक्सेस। बेटा कामयाबी का जो रास्ता होता है ये हमेशा मुश्किल होता है, कोई रॉयल रोड नहीं है कि आप बड़ी आसानी से कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। आपको जाहिर है इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं समरी का। इफ वी फाइंड दैट our task is hard, we should have courage, perseverance and patience to face it. We should have courage, patience perseverance to बेटा। करेज का मतलब हौसला, पेशेंस सबर तहमुल, और परसेवरेंस का मतलब मुस्तकिल मिजाज। मतलब ये तीन क्वालिटीज अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी टास्क को, किसी भी मुश्किल काम को अपनी मेहनत से आसान बना सकते। We should not give up. We should not give up because of fear of failure. हमें नाकामी के खौफ से बेटा कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इफ अदर्स कैन सक्सीड, इफ अदर्स कैन सक्सीड व्हाई cannot we succeed through our efforts. ठीक है बेटा,
इसके आगे बेटा एक कोटेशन और है जस्ट टू हाईलाइट द मेन आइडिया, दैट इज फेलियर मींस स्टॉप ट्राई। बार्गेनिंग का मतलब यह है बेटा कि आप मेहनत करना कोशिश करना छोड़ दें। दरअकीकत असल नाकामी ही यह है कि आप किसी चीज के लिए कोशिश करना ही छोड़ दें। तो नाकामी ये नहीं कि आप एक या दो दफा नाकाम हो जाए, जब तक आप हिम्मत नहीं हारते तब तक आप नाकाम नहीं होते। इसके बाद बेटा लास्ट स्टैंजा लिख रहे हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको बेटा नोट डाउन कर ले। आई एम गोइंग टू राइट द लास्ट स्टैंजा। दो कोटेशन है इसके अंदर बेटा मेन आइडिया को एम्फेसाइज और हाईलाइट करने के लिए। नाउ बेटा लास्ट स्टैंजा ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि आप अक्सर पोएम्स के एंड पर इस तरह का एक स्टैंजा जो एंडिंग स्टैंजा होता है जो कि कंक्लूड करता है पोएम को, इसको लिख सकते हैं। अगर ये स्टैंजा आप याद कर लें तो सिर्फ इस पोएम में नहीं, आप तकरीबन हर पोएम के एंड पे ये स्टैंजा ऐड कर सकते हैं। जी बेटा, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। जी बेटा देखिए एंडिंग स्टैंजा है तो इसमें कंक्लूड करना होता है आपने पोएम को। द पोएट हैज expressed his ideas very expertly, very expertly and impressively. बेटा किसी भी पोएम के एंड पे आप ये लाइन लिखते तो कोई इस पे इतराज नहीं कर सकता बिल्कुल। तो ये एक जनरल सा स्टैंजा है तो आप किसी भी पोएम के एंड पे लिख सकते हैं और इससे आपका इमेज जो है पोएम का वो बहुत बेहतर हो जाता है और देखने वाले को पता लगता है कि आपने पोएम को ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि इसे अच्छी तरह समझा भी है। He has given us a great message in a very simple and impressive way. ये बेटा impressive word हम पहले लिख चुके हैं तो हम इसे realistic करते हैं। realistic हकीकी अंदाज में कोई ऐसी चीज जो रियलिटी के करीब हो उसे आप रियलिस्टिक कहते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल बट इफेक्टिव। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल but effective
जनरल सी स्टेटमेंट है, तो आप किसी भी पोएम के बारे में दे सकते हैं। द यूज ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स एड्स टू द beauty of the poem। ठीक है बेटा, इसमें जो राइमिंग वर्ड्स आपको पता है, हम काफी अल्फाज इनसे पोएम की खूबसूरती में इजाफा होता है। तो ये जो लास्ट सेंस है एक ऐसा सेंस है जो आप किसी भी पोएम के एंड पे लिख सकते हैं और अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी बेटा पोएम आज का हमारा लेसन, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। समरी को बेटा याद कीजिएगा, सिर्फ 3 समरीज है आपकी बुक में और एक तो बोर्ड पे एग्जाम में लास्ट आनी है इनमें से, इसलिए समरी को जरा अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।